एक किसान आत्महत्या करने ही वाला था कि तब महादेव का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जब खेत से निकली महादेव की अति प्राचीन प्रतिमा, आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। गांव में गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम था रामू। रामू अपने खेत में दिन रात मेहनत करता, परंतु मेहनत अनुसार उसे उसका फल कभी नहीं मिलता था। कभी बारिश न होने के कारण, कभी धूप तेज होने के कारण, कभी कोई परेशानी हो जाने के कारण उसको उसकी फसल का सही मूल्य कभी नहीं मिल पाता था। एक बार गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। सूखा पड़ने के कारण खेत में फसल हुई नहीं थी, जिससे परेशान होकर रामू आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। अगले दिन जब रामू अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच कोई चीज पड़ी हुई है जिस पर सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ रही है और वो अद्भुत तरह से चमक रहा है। वो खेत के बीच में गया, जब उसने देखा एक छोटा सा शिवलिंग वहां पर पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया। उसने उस शिवलिंग को बड़े आदर के साथ उठाया और खेत के पास में ही एक पेड़ के नीचे रख दिया। वो शिवलिंग बहुत गंदा हो रखा था, तो पास में ही एक पात्र से वो पानी भरकर लाया और उस शिवलिंग को स्नान कराने लगा। स्नान कराते समय संयोग मात्र से शिवलिंग से पानी उसके खेत में चला गया। कुछ देर बाद वहां से रामू अपने घर चला गया, ये सोचकर कि धूप बहुत है और मैं इस धूप में काम नहीं कर पाऊंगा। सारा दिन घर पर भी वो सोचता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे खेत में फसल हो जाए। अगर कुछ नहीं हुआ तो जो पैसों का ब्याज मैंने ले रखा है, मैं उसे वापस कैसे लौटाऊंगा। परंतु जब उसे कोई उपाय नहीं मिला तो उसने हाथ जोड़े और शिवजी को याद कर कहा, महादेव अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, अन्यथा मेरे पास एक ही उपाय है, आत्महत्या, जो मुझे हर मोह माया से दूर कर देगी। ये सब सोचते सोचते रामू बिना कुछ खाए पिए सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि गांव में बहुत तेज वर्षा हो रही है। वो भागा भागा अपने खेत की ओर गया और खेत में तो कहीं जल तो नहीं भरा। वो यही सोचता सोचता खेत की ओर भागता हुआ जा रहा था। अगर ज्यादा जल भर जाएगा तो जो मैंने बीज खेत में डाले हैं वो सब खराब हो जाएंगे। परंतु जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि बीज अंकुरित हो चुके हैं, उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। ये देख रामू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में इतना सब कैसे हो सकता है। उसकी नजर उस शिवलिंग पर पड़ी जिसकी स्थापना रामू ने पेड़ के नीचे की थी। उस शिवलिंग से अभी भी बूंद बूंद जल रामू के खेत में बहता हुआ आ रहा था। रामू को ज्ञात हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि स्वयं महादेव की महिमा है जिसने मेरे सारे संकट दूर कर दिए, और मैं कितना मूर्ख था, मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। रामू शिवलिंग के पास गया, उस पर जल डालकर उसको फिर से स्नान कराया और शिवजी से माफी मांगकर कहा, प्रभु आप मेरे साथ हैं और मैं इतना अंधा हो चुका था, मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। इस प्रकार महादेव ने खुद शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर अपने भक्त के सारे संकट दूर किए और उसे आत्महत्या करने से भी रोका। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।